नमस्कार दोस्तों, मैं राज बोरकर आपका कैलिफोर्निया 30 में स्वागत करता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा कैलिफोर्निया 30 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो और स्मॉल बिजनेस आइडिया जो कि आपको एकदम फायदेमंद साबित होती है। तो दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में बकरी का क्या महत्व है, गोट फार्मिंग का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा बकरियाँ भारत में ही है, 10 लाख बकरियाँ अकेले हमारे देश में है। फिर भी हमारे देश में जो बकरियों का उत्पन्न होता है, मतलब दूध, मांस, जो ऊन होती है वो, या और कुछ जो भी उत्पादन होता है वो बहुत ही कम होता है। 3% सिर्फ बकरियों से हमें दूध मिलता है, 50% बकरियों से मांस मिलता है, 45% चमड़ी और 5% या 10% ज़्यादा से ज़्यादा ऊन हमें इन बकरियों से मिलता है। करीब हमारे यहाँ की बकरी 58 लीटर दूध सालाना देती है। यह 58 लीटर से लेकर 200-250 लीटर तक हमारे यहाँ की बकरी दूध देती है। लेकिन विदेशी बकरियाँ कम से कम ये 1200 से 1700 लीटर तक दूध देती है। हमारे देश में बकरियों से 2.2 दशलक्ष टन मांस का उत्पादन किया जाता है और किसानों में बकरियों का व्यवसाय खासा लोकप्रिय है। मतलब जो पूरक व्यवसाय के रूप में इस व्यवसाय को देखा जाता है, बहुत ही लोकप्रिय व्यवसाय हो रहा है। तो दोस्तों, आप भी इस व्यवसाय की को व्यवसाय की तरह देखिए, ना कि एक पूरक व्यवसाय की तरह, क्योंकि इस व्यवसाय से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।